क्यों कुछ ईटरीज बाकी सबसे अलग होती हैं? दे स्टैंड आउट. द रीजन इज टेस्ट और खिलाने वाले का प्यार. और ये दोनों ही चीजें भूप सिंह जी अपने छोले और कुलचे में परोस के आपको देते हैं. हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अमेजिंग ईटरीज. और आज मैं आया हूं करकरडोमा सत्यम एनक्लेव गेट नंबर 4 पर एक हिडन जेम के छोले और कुलचे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि लोग खींचे चले आते हैं. सो लेट्स गो, लेट्स गो. एक हफ्ते बाद कर लोगे? हाँ ले लो. मैं आपको बता देता हूँ सीटिंग के बारे में. देर इज नो सीटिंग, लेकिन जो आप जो ईटरी है उसके साइड में जो पैनल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर अपनी प्लेट रख के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं. और मैं पर्सनली आपको बताऊं, ऐसे खड़े होके खाने का जो मज़ा है वो किसी रेस्टोरेंट या किसी 5-स्टार होटल के अंदर नहीं है. और आप ये देख रहे हो धूप की जो प्यारी सी जो खुशबू है, जो फ्रेशनेस और जो सराउंडिंग्स के अंदर जो फैलती है वो मोस्टली ईटरीज पे हमारे यहाँ पे आपको मिलती है. तो ये जो एक्सपीरियंस होता है खड़े होके खाने का वो तो बहुत ही अच्छा लगता है. लेकिन दूसरा एक और ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि बहुत ही अच्छी पार्किंग की फैसिलिटीज़ है. मतलब रोड साइड पार्किंग है यहाँ पे. आप अपनी कार लेके आएं और कार यहाँ पे लगाने के बाद आप अपनी कार में भी जो छोले कुलचे हैं वो इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन नोबडी इज़ गोइंग टू सर्व यू इन द कार. आपको खुद यहाँ पे आके और छोले कुलचे लेने पड़ेंगे. तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे, ये है छोले. सो ये देखो छोले. ओ इस जो छोटी सी जो डोना है, जो प्लेट है, उसके अंदर इन्होंने छोले भर के दिए. अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँगा तो थोड़े से थिक से छोले हैं. और आपके हिसाब से इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं. अगर आपको कम चाहिए या अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर आप खाना पसंद करते हैं. वैसे मैं स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने इनकी जो रेगुलर स्पाइस है वो ऑर्डर करी है. तो ये रेगुलर स्पाइस है विच इज़ मीडियम स्पाइस. तो मीडियम सा स्पाइस मेरे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है. उसके अलावा इसमें है कच्चे प्याज, टमाटर, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये. और इट इज़ लाइक जो प्लेट है वो ऊपर तक भर गई है. ये जो कुलचे हैं उसका मैं पीस ले लेता हूँ. तवे के ऊपर गर्म किए हुए कुलचे हैं और सॉफ्ट हैं. एक अच्छी बाइट ले लेता हूँ मैं छोले की. ओ माय गॉड, छोले के ऊपर आप देख रहे हैं जो स्पाइसेस हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं. तो इसके अंदर इन्होंने डाली है पीली वाली मिर्च. पीली मिर्च है, उसके बाद चाट मसाला है. ये रही एक बहुत ही अच्छी सी कुलचे और छोले की बाइट. अब खा के देखते हैं. My mouth is actually full of flavors. थोड़ा सा इसमें अमचूर का खट्टापन भी है, थोड़ा सा इसके अंदर मिर्ची का स्पाइस भी है. जो फ्रेश वेजिटेबल्स इन्होंने छोले के अंदर डाले थे उसका क्रंच भी है. और जो छोले हैं वो एकदम अच्छे से पके हुए हैं. तो जब आप खाते हो तो आपके मुंह के अंदर ये जो सारे फ्लेवर्स हैं
वो आ जाते हैं एंड डेफिनेटली दिस इज अ नाइस प्लेस टू कम. और ये जो छोले हैं वो थोड़े से अलग हैं बाकी सबसे. एक और बाइट लेते हैं इसकी. ओह लुक एट दिस, दिस इज अ पीस ऑफ ब्यूटी. अगर आप आसपास रहते हैं और अगर आप इस एरिया में कभी आए सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन, तो आप ये जो छोले कुलचे हैं इनको एंजॉय कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं. यहाँ के छोले कुलचे नो डाउट इस एरिया के टॉप मोस्ट छोले कुलचे भी इनका नाम आता है भूप सिंह जी का. ऐसा है कि मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ. ओके. दिल्ली रेगुलर आना तो नहीं होता, साल छह महीने में एक बार आना होता है. लेकिन मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर छोले कुलचे खाने जरूर आता हूँ. तो भूप सिंह जी के जो परोसे हुए जो छोले कुलचे हमने खाए वो हमें बहुत ही अच्छे लगे. मेरे हिसाब से 10 में से 9.5 नंबर. मैं चाहता था कि भूप सिंह जी से बात भी करूं, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं पीछे जो भीड़ है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है. और मैं भगवान से यही गुजारिश करूंगा कि इनकी ये जो भीड़ है वो हमेशा बरकरार रहे और आपका और हमारा जो ये साथ है वो भी हमेशा रहे. तो आप हमारे जो चैनल है अमेजिंग ईटरीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे ही हिडन जेम्स, ऐसे ही अमेजिंग ईटरीज और ऐसे ही नए और बढ़िया बढ़िया स्वाद के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा. अब फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं.